मेवात की कहानी हिंदू की जबानी। मस्जिद है, मस्जिद है ना, मस्जिद है। इज्जत करिए, मोजर के चाय पानी खाटन पे बैठा रहे, पंखा चलाए, सब चीज की व्यवस्था करिए भैया हमारे, सब चीज की सुविधा की है ना। हाँ, सब चीज की सुविधा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि वे कह रहे हैं कि भाई मुसलमान लोग परकम्मा वालों को परेशान कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, कोई को पता ही ना। अम्मा क्या नाम है? मेरा नाम भगवती। भगवती जी ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? महुआ से। महुआ से आ रहे हैं आप? थक गए हो? थके नहीं, हमारे संग के पीछे रह गए। अच्छा, लेने आ रहे हैं। पीछे रह गए। अच्छा ये बताइए अब आप कहाँ पर बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं अरावली में। अंगरावली में? अंगरावली में। अच्छा जहाँ पर आप बैठे हैं तो इसका जगह का पता है आपने? एक सामने क्या है? मस्जिद है। मस्जिद है ना? मस्जिद है। अच्छा ये बताइए कि मुसलमानों के कितने गांव पड़े थे आप रास्ते में? अब मुसलमानों के गांव से कई लगे पर हमको पता नहीं, गांव नाम नहीं। काफी सारे पड़े। हाँ, तो किसी ने कोई परेशान किया आपको? कुछ भी परेशानी नहीं करी किसी ने, कोई ही नहीं की। अच्छा अब वक्त हो रहा है लगभग 7:30 बज रहे हैं शाम के। हाँ, तो किसी मुसलमान ने आपके साथ कोई नहीं अब्दुल भाषा का किसी ना का किसी ने बच्चा ने भी नहीं बोली कुछ भी हमसे? कुछ भी नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोला। सब खिदमत कर रहे हैं, सब अपने प्यार से बोल रहे हैं। हाँ सब प्यार से, नहीं कह रहे आराम कर लो, बैठ लो, बैठ लो। हाँ ये बोल रहे हैं हमसे, तो रास्ता मिल जाए, किसी ने कुछ भी नहीं किया। ये मस्जिद है, मैं कहना चाहता हूँ जिसने भी ना, ये एक आज ट्विटर पर एक वो चल रहा है कि भाई कि शाम के 5 बजे के बाद जब परकम्मा के लोग जाते हैं और देते हैं, तो जितने भी मुसलमान के लोग पढ़ते हैं रास्ते में, गांव पढ़ते हैं, तो वो परेशान करते हैं परकम्मा वालों को। मैं ये लिखा है जाट एसोसिएशन ने, तो मैं उसके मुंह पे तमाचा मारता हूं। और जो औरत है इसने पूरी हकीकत बताई है, और ये सामने मस्जिद है, ये अंगरावली की मस्जिद है, आप देख सकते हो पूरी, ये अंगरावली की मस्जिद है। और ये अभी परकम्मा वाले आ रहे हैं और काफी मुसलमानों के गांव पड़ेंगे रास्ते में, और आगे भी काफी पड़ेंगे, और ये मुसलमान भाई भी यहां पर खड़े हैं, और ये परकम्मा देने वाले यहां पर आराम कर रहे हैं, वो भी मस्जिद के सामने। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं जो हमारी मेवात को बदनाम कर रहे हैं।